इतने सारे डाउट्स लेने के बाद मैं अलग सर और इवन जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे सारे फैकल्टीज थे, एक कॉमन कंक्लूजन पे ये चीज हमें समझ आई कि बच्चे आजकल इस कंपटीशन को नो डाउट ये टफ एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं मानता हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ने इस चीज को और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है अपनी चीजों के लिए ही कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सर रिवीजन का पैटर्न क्या होना चाहिए, कि सर मैं कितने घंटे कितने सब्जेक्ट को दूं, सर मैं स्कूल को कैसे इसके साथ मैनेज करूं, सर मेरे घर पे ये इश्यूज हैं, सर मैं पढ़ नहीं पाता, सर मेरे को ये चीज में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको कैसे करूं। मैं मानता हूं ये सारे डाउट्स हमारे टाइम पे भी थे, लेकिन हमारे टाइम पे ये सारे डाउट्स होने के बाद भी सोल्यूशन आते थे, और जब वो आते थे जब आप मेहनत करते थे। आप चाहते हैं कि आपकी कोटा के लेवल की तैयारी हो तो भाई कोटा के लेवल के क्वेश्चंस भी तो आपको लगाने पड़ेंगे ना, ठीक है, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यही तो मेन चीज है, वहां का बच्चा अपने आप को घिसने के लिए तैयार है, क्योंकि वो घर से निकला है घिसने के लिए तैयार है, उसका मेंटेलिटी क्लियर है मैं घर छोड़ के आया हूं तो मेरे को पढ़ना है। बस यहां पर ऑनलाइन में एक बात है, जो खुद से डिसिप्लिन्ड है और खुद को पुश कर सकता है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, उसको ऑफलाइन वाला बच्चा भी नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास समय अफरात होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जब अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर वो थक रहा है तो रोक सकता है, फिर उसके हिसाब से पढ़ सकता है, स्पीड अप कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा सकता है, काफी सारा डिस्कशन देख सकता है। तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं देखेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग है, तो मैंने बनाया यार बैकलॉग। बेटा जिनके पास जो प्रॉब्लम्स है ना वो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगी, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम को देखने का वाला है। समझ नहीं आती ये बात तुम्हें?